ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। रायपुर संभाग के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग संभाग में युवाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सिविक सेंटर के जयंती स्टेडियम के पास कार्यक्रम स्थल का चयन किया गया है। युवा संवाद की तारीख 4 अगस्त रखी गई है, जिसका निरीक्षण दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रोजगार, राजनीतिक और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। वहीं युवा भी सीधा मुख्यमंत्री से सवाल जवाब कर उनके जिज्ञासाओं को शांत कर सकेंगे। जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि इस कार्यक्रम में 47 कॉलेज व 4 यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। अगस्त को ज़िले में संभाग स्तरीय भेंट मुलाकात युवाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में होगा। इसमें दुर्ग जिले से 47 कॉलेज और 4 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे शिरकत करेंगे। इसके अलावा संभाग के जो बाकी जो अन्य जो 6 ज़िले हैं उनकी भी सारी कॉलेजेस के बच्चे यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। और कॉलेजेस में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, आर्ट्स डिग्री कॉलेजेस हो, नर्सिंग कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस का इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा। नहीं, क्वेश्चंस तो जो बच्चे एकदम पूरी तरह से फ्री हैं, जो बच्चे पूछना चाहें अपने जो भी उनको ठीक लगे, जिस बारे में उनको पूछना है, वो एकदम वो ओपन रहेगा, ओपन प्लेटफॉर्म है। हम उम्मीद कर रहे हैं लगभग 10,000 के आसपास बच्चों की उम्मीद कर रहे हैं। चेतावनी भी जारी कर रखी है कि अगले 3 से 4 दिन लगातार बारिश रहने वाली है, तो इसलिए जो पूरा जो टेंट सिस्टम है पूरा वाटरप्रूफ रखा गया है। और ट्रांसपोर्टेशन पे भी हम पूरा फोकस कर रहे हैं कि बारिश में रहेगा। उसके अलावा जो बच्चे आएंगे सभी के लिए स्नैक्स और खाने की व्यवस्था भी रहेगी, तो उसमें हाइजीन। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।